खबरों की नई पहचान। वैश्विक कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी एवं पत्रकारों को सम्मान किया गया। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने गरीबों के बीच एक सीट बनाकर अनाज का वितरण लगातार 18 दिनों से कर रही है। वहीं शमशेर आलम ने बताया कि देश में इतनी बड़ी बीमारी आई है और हमारे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर एवं पत्रकार दिन रात मेहनत करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये था कि हम लोग आज करीब करीब 29 तारीख से हम लोग राशन किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वैसे ज़रूरतमंद लोगों को, और हम लोग देख रहे हैं कि रोड पर जो है पत्रकार बंधु, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी दिन रात एक करके हम लोग के सेवा में लगे हुए हैं, और उनका ये मकसद है कि किसी तरह से ये कोरोना पर हम लोग को काबू पाया जाए। और हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई उनके प्रोत्साहन में प्रेस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, उनको कुछ ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए कि उनको भी लगे कि हम लोग उनके प्रति भी हम लोग का सहानुभूति अच्छा रहे। और ये हम लोग मुहिम चला रहे हैं, और आज भी हम लोग करीब करीब 50-60 किट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग का चावल, दाल, नमक, तेल, आटा इत्यादि बहुत से खास सामग्री है जो हम लोग गरीबों के बीच जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वैसे लोगों को पहुंचा रहे हैं जो इस लॉकडाउन की स्थिति में खाने के लिए मोहताज हैं। आया गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी खुद बंगला धनबाद के नौजवानों के द्वारा लगातार 29 तारीख से गरीब जो भूखा लाचार है, सर्वे करके हम लोग राशन का किट वैसे लाचार को हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने महसूस किया कि इस लॉकडाउन में सबसे अच्छी भूमिका पत्रकार, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी का है, तो ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरों ने महसूस किया, तो आज हम लोग पत्रकार, पुलिस को, डॉक्टर्स को और सफाई कर्मी को हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले उनको सम्मानित किया है। और हम लोग की कामना है कि इसी तरह जिस तरह सेवा ये लोग दे रहे हैं, अपनी जान की जोखिम में डाल करके भी सेवा दे रहे हैं, उसी महसूस करते हुए हम लोगों ने आज उन्हें सम्मानित किया है, ताकि आगे भी अपनी सेवा निस्वार्थ आम जनों के लिए देता रहे, यही हम लोगों की कामना है।